राजस्थान की सड़कों पर इन दिनों बाहुबली ट्रक सड़क पर दौड़ नहीं बल्कि रेंग रहा है। यह हाईवे से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, हाईवे पर अक्सर आपने ट्रक को दौड़ते हुए ही देखा होगा, लेकिन यहाँ ये बाहुबली ट्रक दौड़ नहीं बल्कि रेंग रहा है। इस रेंगते हुए ट्रक को देखने आने वालों की भीड़ हाईवे पर जुट रही है। ये कोई साधारण ट्रक नहीं बल्कि बाहुबली ट्रक है, जिसके एक दो या दस नहीं बल्कि 456 टायर हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, भारी भरकम बोझे को झेल रहे इस 456 टायरों वाले ट्रक को दो ट्रक आगे खींच रहे हैं और एक ट्रक पीछे से धकेल रहा है। इस बाहुबली ट्रक का सड़क पर खौफ इतना कि जब यह चलता है तो सड़क को खाली करवाना पड़ता है, क्योंकि इसकी साइज और लंबाई इतनी है कि यह बाहुबली ट्रक पूरी सड़क को घेर लेता है। सरदार शहर थाना अधिकारी मदन लाल विश्नोई बताते हैं कि 3 दिनों में इस बाहुबली ट्रक ने 20 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके साथ 2 दर्जन से अधिक लोग का स्टाफ चल रहा है। जब ये ट्रक चलता है तो कुछ लोग आगे लाल ध्वजा लेकर चलते हैं। नीचे तार होने पर इस गांव की लाइट कटवानी पड़ती है। इसके अलावा इस ट्रक के लिए बीच में आने वाले शहरों के स्वागत द्वारा क्रेन की सहायता से हटवाने पड़ते हैं। ये जो टर्बाइन है वो गुजरात यानी कि आज से 9 महीने पहले रवाना हुआ था और इसको जो है कई सारी अड़चनें आई हैं, कई लोखंड के पुल बनाने पड़े हैं और 2 दिन पहले सरदारसर में पहुंचा था और 2 दिन पहले जो है सरदारसर में जो रेलवे जो फाटक है उनमें एक बड़ी अड़चन आ गई क्योंकि उसके वायर हटाने थे और आज सुबह 9 बजे ये सरदारसर से रवाना हुआ, तारानगर की तरफ जा रहा था तो भालेरी के अंदर भी कुछ अड़चनें दिखाई दी और ये बठिंडा की तरफ जाएगा।